ये बिल किसान की आय को दुगुना करने वाला है, किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। एमएसपी से ऊपर जितना ज्यादा किसानों को मिल सकता है इस ओपन मार्केट में, वो एक व्यवस्था सरकार ने दी है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा रहेगा, रहा है, और किसान के इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को न किसी को अधिकार है, न किसी की हिम्मत है। आज ही नहीं, भविष्य में भी कोई इसे छेड़खानी नहीं कर सकता। और ये बड़े संकल्प के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है, देश के किसानों को आश्वस्त किया है। देश का जनमानस और किसान मुख्य रूप से, वो देश के प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से अटूट विश्वास करता है, विश्वास का रिश्ता है। और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों ने जो झूठ का भ्रम और ये जो धुआं उठाया है, वो आने वाले समय में जो किसान के बेटे निरंतर उसको, क्योंकि किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, उसके पास इंटरनेट की व्यवस्था है और वो आज समझ सकता है। तो जब से ये चर्चा नेगेटिविटी की कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भी की है, उसको लेकर किसान ने भी गंभीरता से उसको लेना शुरू किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में ये बिल किसानों की तकदीर को बदलने वाला साबित होगा, किसान को आय को बढ़ाएगा। और इससे क्यों चिढ़ उन लोगों को है जिन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की, ये समझ से परे है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिसकी इकाई पूरे देश में सब जगह है, बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर एक जनजागरण का अभियान, क्योंकि जो भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम की सच्चाई जब जनता को धीरे धीरे पता लग रही है, किसानों को जानकारी मिल रही है, किसान इसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल और उनके नेता आने वाले समय में बैकफुट पर आएंगे। और प्रश्न चिन्ह उन्हीं के ऊपर लगेगा कि क्यों आपने देश के किसानों को, अन्नदाता को